स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर आपके केस में ये डेट पर डेट क्यों मिलती रहती है। जो केसेस होते हैं उनके सबसे ज़्यादा लंबे चलते हैं, उनके पीछे एकमात्र कारण है कि डेट पर डेट, तारीख पर तारीख आपके केस में मिलती रहती है। आप जब भी आपके किसी केस की सुनवाई होती है और आप सुनवाई वाले दिन आप जाते हैं, तो आप पहले से आप ये सोच कर गए होते हैं कि जिस तरीके से आपने मूवीज़ वगैरह में देखा है कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, उसके बाद फिर उस पर सुनवाई होगी, आपसे आपकी बात पूछी जाएगी और अगली पार्टी अपनी बात बताएगी, वहाँ पर बहस होगी, सारी चीज़ें आप जो आपने पहले से फिल्मों में देख कर रखा है आपको उसके हिसाब से आपको लगती है। लेकिन जब आप कोर्ट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता क्या है कि तुरंत ही आपके केस में अगली डेट दे दी जाती है, मतलब किसी भी तरह की कोई भी प्रोसीडिंग नहीं होती है, आपको अगली डेट दे दी जाती है। डेट का मतलब होता है, जैसे अगर हम तारीख की बात करें कि तारीख का मतलब क्या है, तो तारीख का मतलब होता है कि आपके केस की जो प्रोसीडिंग होनी है, जो उस दिन सुनवाई होनी है, वो सुनवाई ना हो करके उसके लिए कोई दूसरी डेट फिक्स दे दिया जाना। जज साहब कोई दूसरी डेट आपको वहाँ पर दे देते हैं कि इस डेट पर इस केस की सुनवाई फिर की जाएगी। चाहे वो आपका सिविल केस हो या वो क्रिमिनल केस हो, हर में डेट मिलती है। अब ये जो डेट होती है, ये किस वजह से आपको आपके केस में सुनवाई ना हो करके डेट दे दी जाती है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे मेन इसका रीज़न आता है वो ये होता है कि जिस दिन सुनवाई होती है उस दिन क्या होता है कि जब आपके केस की सुनवाई चलती रहती है तो सुनवाई वाली डेट पर ये पता चलता है कि जो पीपी साहब हैं वो नहीं आए हैं, जो दूसरी पार्टी के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं वो उस दिन पे उपस्थित नहीं हुए हैं, तो ऐसे में बिना उनके सुनवाई नहीं हो सकती, इसलिए भी डेट दे दी जाती है, अगली डेट दे दी जाती है। या फिर पीपी साहब तो आए हैं लेकिन आपके जो वकील हैं वही उपस्थित नहीं हैं, जिस समय पर उन्हें उपस्थित होना चाहिए था वो उस समय पर वहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में भी डेट दे दी जाएगी। या आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जिन्होंने आपके केस के को इन्वेस्टिगेट किया है उनके भी बयान लिया जाता है, तो अगर वो उस डेट पर नहीं आए हैं, जो डेट मिली हुई थी उस डेट पर वो नहीं उपस्थित हो पाए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको दूसरी डेट दे दी जाएगी। या इन सब के अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि जिनकी कुछ गवाह हैं जिनकी गवाही होना ज़रूरी है, अब वो गवाह किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, तो अगर वो उपस्थित नहीं होंगे तो भी आपको दूसरी डेट दे दी जाएगी, उस आपके इस मामले में सुनवाई नहीं हो पाएगी। कभी कभी क्या होता है कि सारे जितने भी लोगों को वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए था वो सारे उपस्थित हैं लेकिन उसके बाद भी डेट दे दी जाती है, तो ऐसा किस वजह से होता है? इसके पीछे एकमात्र रीज़न है कि जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, जिन कागज़ों की ज़रूरत थी आपको आपके केस पे सुनवाई करने के लिए, वो सारी उनमें से कुछ भी ये है जो कि मिस है, अभी वहाँ पर जज साहब के सामने उन चीज़ों को पेश नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में भी जज साहब क्या करते हैं, आपको डेट दे देते हैं। तो ये डेट का दूसरी डेट को दिया जाना इन सारे रीजन से भी हो सकता है। आपके लिए सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जब भी आपको आपके केस की डेट पता है कि उस दिन हियरिंग होनी है, तो उसके पहले आप अपने वकील साहब से एक बार बात कर लीजिए और उनसे आप ये पूछ लीजिए कि क्या सारी चीज़ें जो भी ज़रूरी हैं, सारे आपकी तैयारी क्या क्या है उस दिन केस की, अगर सुनवाई है तो सुनवाई के समय आपने किस तरीके से आपने केस को पूरा तैयार कर लिया है। और अगर आपके जब केस में अगर डेट मिल जाती है, कोई भी डेट मिल जाती है, उस डेट को आपके वकील अगर चाहें, अगर बहुत दूर की डेट मिली हुई है, जैसे आपकी जो डेट है वो अभी आज मार्च में सुनवाई होनी थी, मार्च 20 को सुनवाई होनी थी केस की, लेकिन जब आप कोर्ट में जाते हैं 20 मार्च को, तो क्या होता है उस दिन जज साहब आपको मई की डेट दे देते हैं, कोई भी डेट आप 20 मई ही मान लीजिए कि आपको डेट मिल जाती है। अब आपको ये लगता है कि ये डेट बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसके लिए आपके वकील साहब वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगाकर थोड़ी जल्दी की डेट ले सकते हैं, या अगर आपके केस के लिए जो डेट मिली है वो जल्दी की मिल गई है और आपके वकील साहब को आपको ये लगता है कि ये बहुत ही जल्दी, इतने समय में आप सारे अपने पेपर वर्क वगैरह आप नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, तो इसके लिए आपके वकील साहब बाद की भी डेट ले सकते हैं, ये आपके वकील साहब पर डिपेंड करता है। तो ये बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से मुकदमों में तारीख पर तारीख मिलती रहती है और आपका केस लंबा चलता रहता है।
उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको अगर किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी ऐसी जानकारी है जो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर भी अगर जरूरत हुई तो आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।